ओके गुड लोग, किसी बंगाली बंगाली पैन इंडिया मूवी का ऐसे टीजर आया है। आई डोंट नो कि मैं उसे सही प्रोनाउंस कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे कमेंट जरूर बताना। उसका नाम है चेंगेज। टीजर आया है, काफी लोगों ने मुझे ट्वीट्स की और कमेंट्स से बताया, तो रिएक्शन करते हैं। 3 2 1 चलो। जो अनजान अपरिचित अभेद को जय करता है, जिसकी ना कोई यादें हैं ना कोई सीमाएं, वो है चेंगेज। चेंगेज चेंगेज का आजकल नहीं होता, चेंगेज का युग होता है, युग एरा। चेंगेज मतलब होता क्या है? ओके, चेंगेज का मतलब एक्चुअली में छोटा सा इन्होंने लिखा था, इन्होंने छोटा सा लिखा हुआ है, द वन हु हैज नो बाउंड्रीज नो लिमिट्स। ओके, और अगर इसका कुछ और मतलब होगा तो मुझे कमेंट जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। एज अ पैन इंडिया मूवी के तौर पे से बता रहे हैं, देखने में तो सही लग रहा है। एज अ रीजनल मूवी मैं कुछ ज्यादा अपने बार से हाई सेट नहीं करूंगा। उन्होंने इतना किया, उन्होंने एम डब किया, इसे मासी बनाया, और काफी अच्छी बात है। और इसी बात पे पता है मुझे अपनी फील आ जाती है कि मैं कैसा फील कर रहा था कि जब अपने रवि किशन जी ने अनाउंस किया था कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से एक पैन इंडिया मूवी निकालेंगे, और हम जान रहे थे कि भाई 12-13 करोड़ में बन रही थी, और मैं वो भी समझ रहा हूँ कि उस लेवल तक का वो बवालियापन नहीं जा पाएगा जो एक्चुअली में हिंदी सिनेमा या सदन सिनेमा अचीव कर पाता है, लेकिन फिर भी एक मन में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि भाई अपनी लोकेलिटी से कहीं से निकल रहा है। और आई थिंक कि मुझे भी लगता है आपको भी वही फील हो रहा होगा, जितने मेरे फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पे, वो एक्साइटमेंट जरूर आपको फील हो रही होगी कि भाई हमारे यहाँ से पैन इंडिया लेवल की मूवी ऐसे निकल के आ रही है कि जो सबको देखने को मिल रही है। और एज अ रीजनल सिनेमा होने के नाते इतने बड़े स्केल की फील देना, मुझे काफ़ी सही फीलिंग आ रही है। होप करता हूँ कि हम ऐसे ही और बड़े बड़े माइलस्टोन्स को अचीव कर पाएंगे। मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, पता नहीं हमारे यहाँ लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, लगती है तो ज़रूर देखने जाएंगे। और जहाँ बात रही भाई लोस की, तो भाई इसमें यही एक बात कहूँगा कि एटलीस्ट मूवी कुछ ऐसी बातें डिलीवर करे, चाहे जो भी करती है, जिस तरीके से भी ऊपर नीचे दाएं बाएं वो दिखाती है, ठीक है, कुछ सेंस ना बनाए कोई मतलब नहीं बनता, मगर इंपॉर्टेंट फील होनी चाहिए पिक्चर कि हाँ लोग उसके बारे में बात कर सके, कि हाँ लोगों को इंटरेस्टेड हो कि हाँ भाई इसके लोर में क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या बताता है। खैर, अगर वो कहीं से भी रिजेम्बलेंस या इंस्पिरेशन उठा रहे हैं तो कम से कम इतना रहे जरूर मूवी में कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट फील करा रही है, और वो इंपॉर्टेंटनेस मैं देखना चाहूंगा। तुम अपने ओपिनियंस बताना कि तुम क्या फील करते हो इसके बारे में। एक रीजनल सिनेमा से इतनी बड़ी मूवी निकली है तो मैं भी नहीं कहूंगा कि काफी हार्श जज करने को, ऐसे कैजुअली देख लो, काफी डिसेंट तरीके से टीजर था भाई, और मैं ट्रेलर का जरूर इंतजार करूंगा। वरना रीजनल सिनेमा ना काफी फायदा उठाती है अपने अनहर्ड होने का, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री अपना उठाती, मुझे नहीं पता बंगाली इंडस्ट्री का, खैर मैं जरूर देखना चाहूंगा। खैर बंगाली इंडस्ट्री बहुत सिंसियर है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज वहां से निकल के आई हुई हैं। खैर फिर भी तुम अपने ओपिनियंस बताओ, तुम्हें कैसे टीजर लगा और तुम क्या होप करते हो कि कहां तक जाएगा।